तो हेलो, इस धरती पे जीवित रहने वाले इंसानों, वेलकम बैक टू अर्जुन। और आज हम तो बारिश खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट। तो कैसे यार, यहाँ मैं उतरा था यार स्टेडियम में, और उतरने के साथ में ही अपने को मिल जाती है शॉटगन। अरे नहीं यार, रोज का ही डायलॉग बन गया है। उतरने के साथ में अपने को मिल जाती है थॉम्सन, और उतरने के साथ में ही मैं एक बंदे को भी नॉक कर देता हूँ। लेकिन एक बंदा मेरे को डैमेज दे रहा होता है, इसलिए मैं नीचे कूद जाता हूँ, क्योंकि मेरी गन रीलोड भी होती है। तो उसके बाद यहाँ से अपने को लेवल 3 की वेस्ट मिल जाती है, और भाई हेल्थ का सामान मिलते ही मैं अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ सबसे पहले तो। और उसके बाद यार चलते हैं बंदों को मारने। और यहाँ भाई मैं अकेला उतरा हूँ, और पूरा स्क्वाड खड़ा है सामने मेरे। तो गाइस यार देखते हैं हम उन्हें मार पाएंगे या नहीं। तो एक बंदा तो सामने, चलो रस मारते हैं। और वो भाई, वो बंदा सामने आ गया है। अरे मेरे भाई साहब, बच के कैसे जाओगे? बच के तुम रहना, बिकॉज दैट डील इज हियर। भाई एक बंदे को तो हमने नॉक कर दिया है, लेकिन उसके बाद हमें अभी भी 3 बंदों को मारना है, क्योंकि भाई अभी उनका एक ही, उनके स्क्वाड का एक ही बंदा किल हुआ है। तो भाई साहब अभी तो बड़ा मुश्किल होने वाला है अपने लिए, लेकिन देखते हैं हम उन बंदे को मार पाएंगे कि नहीं। और सामने ऊपर एक बंदा है, लेकिन भाई नीचे भी तो बंदा है। सामने ही दो दो बंदे हैं मेरे, मतलब वो देख रहे हो भाई कैसे वो टीपीपी ले रहा है। और भाई सामने एक बंदा, वो भी तो डैमेज था, मतलब भाई इसने एक बड़ी गलती कर दी, डैमेज होते हुए इसने रश मार दिया मेरे ऊपर। इससे पता नहीं है यार, ये पबजी के बच्चे ना यार आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं। लगता है मेरे को एक ट्रेनिंग, वो कोचिंग सेंटर खुलवाना पड़ेगा, पबजी कोचिंग सेंटर। और भाई इसलिए मैं पीछे आ गया, क्योंकि मेरे को पता था वो अंदर रस मारेगा। और भाई वो ऐसे ही, लेकिन वो थोड़ा जल्दी अंदर चला गया, हमारी गोलियाँ थोड़ी मिस होगी शायद से। तो भाई मेरे को लगता है मेरे को पबजी कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए, जिसमें सिर्फ लोग ग्रेजुएट जब होंगे तो नूब बन के जाएंगे, क्योंकि हम नूब हैं। तो यार सामने वाले बंदे भी तो हम नूब ही बनाएंगे। तो यार सामने एक बंदा था, इससे तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन अभी भी उनके स्कोर के 2 बंदे बचे रहे हैं। तो एक बंदा तो उधर साइड है, मैं अपना नेट निकालता हूँ और फेंक देता हूँ, और देखते हैं ये वाला ग्रेनेड अपना ओपी जाएगा कि नहीं। भाई ग्रेनेड तो मैंने सही कराया, लेकिन मैंने उतना सही नहीं करा, मेरे को पता था, मेरा मतलब हाथ थोड़ा हट गया था, और ना मेरे को ना जो दीवार थी उसके उस पर मारना था कि वो नीचे हो जाए। सामने एक बंदा इसे मैं नॉक कर दिया, एक बंदा रिवाइव दे रहा है उसे, और भाई इसे मिस मार पाएंगे। ओ भाई, और फाइनली हमने इस बंदे को किल कर दिया है। तो भाई हमने अपना पूरा स्क्वाड, इन बंदों का पूरा स्क्वाड हमने वाइप कर दिया है स्टेडियम के अंदर ही अंदर। तो मैं 3x लगा लेता हूँ अपनी गन में, और सामने भाई पगी वाला था, वो भाग गया, नहीं वापिस बैठ गया वो। तो यार इसे तो हमने थोड़ा सा डैमेज दिया, एक हेड पड़ा इसे, लेकिन ज़्यादा डैमेज इसे मिल नहीं पाया, क्योंकि ये भाग जाता है। लेकिन सामने और भी बंदे रहते हैं, और भाई मेरा वॉइस ओवर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन यार वीडियो तो बनानी है तो करना तो पड़ेगा ही। आज पता नहीं क्यों मूड नहीं मेरा वॉइस ओवर करने का, इसलिए आप लोग आज देख रहे हो कि मेरा वॉइस ओवर में थोड़ा, मतलब आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो भैया जी यार बगी वाले क्या कर रहे हैं ये, हमें कोई कमेंट बताओ, ये क्या कर रहे हैं, इधर से उधर गाड़ी लेके घूम रहे हैं, ना ये किसी बंदे को मार रहा है ना कुछ। तो सामने एक बंदा है, हम तो मारेंगे ना यार, वो बंदा नहीं मार रहा तो हम तो मारेंगे। तो वो यार वो बगी वाले, ये बंदा पता नहीं कौन है। हाँ बगी वाला है ये तो बगी वाले चचा है जिन्हें हमने मार दिया, और इनका स्क्वाड ख़त्म हो गया है दोनों बंदों का। तो यार अपने शुरुआत में यार गिल निकल गया, नहीं भाई 9 गिल निकले हैं शुरुआत में ही, तो मतलब अच्छा खासा अपना मैच तो जाएगा ही यार। भाई सामने वाली गाड़ी है, कोई गोली ना मार, कहीं दब जाए भाई मैं उछलता ही रह जाऊंगा। तो चलो यार इन बंदे को लूट के चलते हैं यहाँ से कहीं और। तो उसके बाद मैं आ गया था अपार्टमेंट के पास, और यहाँ एक बंदा था, बॉट था यार, बंदा नहीं था बॉट था, जिसे हमने नॉक कर दिया है, नॉक के साथ में किल भी हो गया वो। यार मैं बड़ा बेकार वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मेरा खुद को पता है, लेकिन यार क्या, अगर मन नहीं कर रहा आज वॉइस ओवर करने का। तो और भाई देखो क्या टेलीपोर्ट वाला फूट गया है ना,
इसलिए एक लाइक कर दो यार। और भाई एक सब्सक्राइब तो स्क्वाड जो मैंने किल करे उसके लिए तो बनता है भाई, उसके लिए सब्सक्राइब बनता है भाई। अभी क्या अभी दबा दो घंटा। तो भाई चलो यार एक मिडर साइड आ गए थे सिंक डेल्टा के पास में, और यहाँ अपने अच्छे खासे किल निकलेंगे। 11 किल अपने निकल चुके हैं। तो यार क्या ही करें, अभी कुछ बोलने के लिए है नहीं इसलिए मैं शांत हो गया थोड़ा। तो यार 9 बंदे रह रहे हैं जिनमें से 4 तो हम ही हैं। तो यार आप लोग कमेंट में बताना कितने बंदे रह रहे हैं, 9 हैं तो उसमें से अगर 4 हम हैं तो आप लोग कमेंट में बताना। और भाई सामने से बंदा रहे, मैं सुनूंगी ग्रेनेड से मारूं, और नहीं भाई ग्रेनेड से नहीं मारूं। तो भाई मेरे टीममेट ने चुरा लिया यार। तो यार इधर साइड मेरे को लग रहा है कि एक बंदा और है जो हमसे डर रहा है, और वो कैंप कर रखा है उसने उधर साइड। लेकिन एक बंदा नहीं था इसलिए मैं आ गया था दूसरी साइड, और दूसरी साइड एक बंदा रहता है जिसे मेरा टीममेट नॉक कर देता है। अभी भी लेकिन 3 बंदे रह रहे थे मारने को। तो चलो यार इस बंदे को तो हमने किल कर दिया, और ये भाई दोबारा से रिवर्स हो गया था। तो यहाँ मेरे पे आ जाता है किसी का कॉल जो कि मैंने ब्लर कर दिया होगा। एंड हाँ गाइस, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आप लोग के साथ गेम प्ले लाता रहूँगा। बाय बाय।